नहीं हुआ, छह साल से हमको पागल बना रखा है, हमारा आज तक भी रिजल्ट नहीं आया फाइनल। हम अब उसको चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाले बस सरकार। हम हार नहीं मानेंगे सरकार के सामने, बिल्कुल आखिर तक लड़ेंगे, चाहे हमारा कितना ही बुरा करे सरकार, लेकिन हम अपना हक लिए बगैर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जो लोग इस वक्त जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, इनमें से कई लोग दो दो बार MA पास कर चुके हैं, कोई BA तो कोई JBT की डिग्री लिए घूम रहा है, तो कोई चार चार बार HTET पास कर चुका है, इतना ही नहीं अब तो TGT भी पास कर लिया है। मगर इंटरव्यू का रिजल्ट आता उससे पहले ही सरकार ने भर्ती रद्द कर दी है, जिसके विरोध में अब सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देश भर से 1035 TGT इंग्लिश परीक्षार्थी करनाल पहुंचे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने भर्ती रद्द करने का जो फैसला लिया है उसे वापस ले ले, नहीं तो सभी परीक्षार्थी 1 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। नहीं हुआ, छह साल से हमको पागल बना रखा है, हमारा आज तक भी रिजल्ट नहीं आया फाइनल। हम अब उसको चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाले बस सरकार, हमारे साथ न्याय करे, जो अन्याय किया है 6 साल से हम भटक रहे, कोई इधर से उधर पागलों की तरह, हमें हमारे साथ न्याय किया जाए, और नहीं करेंगे तो हम 1 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और अपने लिए आखिर तक लड़ेंगे लड़ाई। हम हार नहीं मानेंगे सरकार के सामने, बिल्कुल आखिर तक लड़ेंगे, चाहे हमारा कितना ही बुरा करे सरकार, लेकिन हम अपना हक लिए बगैर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। पूरे हरियाणा के कितने टीचर्स थे जो इस समय भर्ती जिनकी रद्द हुई है? 1035 पोस्ट थी, 1035 परिवारों के पेट पे लात मार दी सर, हमारे मुंह में नहीं वाला जाने से पहले ही बाहर निकाल लिया सरकार ने, हम कहां जाए सर आप ये बताओ। आपका नाम? सर मेरा नाम सीमा है और मैं इसमें इंग्लिश की भर्ती में थी और मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी। और हम ये आज खुला ऐलान करते हैं कि 1 तारीख को हम हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें समस्त जो है किसान यूनियन और आज जितने भी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। हो सके तो हम, अगर संभव हुआ तो ट्रैक्टर लेकर के हम आज किसान के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर अपने झंडे और बैनर लगाकर हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारा विरोध जारी रहेगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने बहुत लीनियंट होके देख लिया है, हमने बहुत विनम्र होके देख लिया है, हमने बहुत झुककर देख लिया है। कई बार प्रार्थना, 100 से ज़्यादा बार हम चेयरमैन से भी भारती से मिले हैं जिसने हमें आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री, अपने शिक्षा मंत्री और अपने ये बनवारी लाल जी हैं जो शायद किसी मंत्री पद में हैं और अपने धनखड़ जी हैं जो अभी। कितनी भर्तियाँ थी, क्या क्या आपने क्वालिफाई किया उसके बाद भी भर्ती रद्द कर दी गई? सर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये साथी, इनकी क्वालिफिकेशन अभी आपने पढ़ी है, ये देखो ये एस्टेट है हमारी मैम का, एक ये एस्टेट इन्होंने क्वालिफाई किया है, इंग्लिश का है, इंग्लिश लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये रहा सब्जेक्ट सोशल एज भी ऑप्शन इंग्लिश, लेकिन आज हम ये कागज़ जो हमें सुनहरी भविष्य का सपना दिखा रहे थे, आज इन्होंने इसको फाड़ने का और जलाने का जो है निर्णय किया है, ये हमारे किसी काम के नहीं है और हरियाणा सरकार का हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं। या तो वो हमारे इस भर्ती को पूरा कर दे फिर जो है हम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने BJP को सिर्फ इस बेस पे वोट दी थी कि उनकी सरकार में वैकेंसी निकली थी और हमें विश्वास था। कितनी भर्तियां निकली थी और कम निकली थी? सर हमारी, हमारे विषय की तो सिर्फ 1035 का हमें ज्ञान है, 1035 पोस्ट हैं, 2070 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लगभग ले रखा है, तो ये एक तरह से उन्होंने जो है पूरी तरह से अन्याय किया। और ये देखिए आपके सामने, आपका नाम? मेरा नाम संदीप दास है और मैं TGT इंग्लिश संगठन का राज्य। बता दें कि राज्य सरकार ने 2015 में TGT इंग्लिश टीचर्स के लिए 1035 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया और परीक्षा भी दी, टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में पास होने वाले परीक्षार्थियों की जीत हुई, मगर दूसरा पक्ष डबल बेंच चला गया। इस दौरान पास हुए परीक्षार्थियों के इंटरव्यू हुए, दूसरी तरफ कोर्ट में फैसला चलता रहा। सभी को लग ही रहा था कि एक दिन कोर्ट उनके हक में फैसला देगा, मगर उससे पहले ही सरकार ने भर्ती रद्द कर दी, जिससे नाराज परीक्षार्थी अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी TV।